आप जब जाते हो तो वो आपका आपके पास एक केवाईसी फॉर्म साइन करवाएगा, उसमें पूरी आपकी विगत जो आपकी पूरी डिटेल है वो सब आपको भरनी पड़ेगी। आपको अपना जो सबसे पहले अपना इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका जो कार्ड है वो आप ले जाइए, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस वो आपके साथ रखना है, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका रेशन कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, वो आपको अपने साथ रखना है। तीसरा, आपका बैंक स्टेटमेंट जो 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए वो आपको लेके जाना है, उसके साथ आपको एक कैंसिल चेक देना है और उसके साथ आपके 2 फोटो चाहिए। ये सभी चीज आपको वहां पे जाके भरनी है। जो जो इंस्ट्रक्शन वहां पे लिखी है उसके अंदर, जैसे मैं पहले बताया, पूरी चीज अंदर आपके लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहते हैं उस पे वहां आपको टिक करनी है कि आप इस प्रकार का जो बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो सब चीज इसमें लिखी होती है। इस डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, आपको समझना है कि जो मैं यहाँ पे साइन कर रहा हूँ उससे मेरी फाइनेंशियल जिम्मेवारी काफी हद तक बढ़ जाने वाली है। सिर्फ जिम्मेवारी नहीं बढ़ेगी, आपकी जोखिम भी अपना बढ़ने वाला है। जो रिस्क आपको मैंने गिना है वो सभी के सभी रिस्क उसी दिन से चालू हो जाते हैं जिस दिन आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चालू करते हो। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो तो बहुत ही केयरफुली करो। आपकी अपनी खुद की इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, आपकी रिस्क एपिटाइट है, हर चीज को आप एसेस कर लो कि ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है जो इन्वेस्टमेंट का वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं। आमतौर पे जब भी आप इन्वेस्ट करो तो किसी जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, जो इस लाइन में कोई माहिर है, उनकी हमेशा सलाह आप ले लीजिए। कोई टिप पे मत काम कीजिए, किसी के कहने पर मत काम कीजिए, किसी की र्यूमर या किसी के संदेश पे मत काम कीजिए। सिर्फ आप फंडामेंटली हर चीज को स्टडी करें। अगर आपके पास का ज्ञान नहीं है तो आप किसी और से भी वो ज्ञान ले सकते हैं, जो इस मार्केट के अंदर काफी लोग हैं, जो काफी एक्सपीरियंस है, तजुर्बा काफी है, और उनको लेके खास करके लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्ट करें। आपसे मेरी एक खास सलाह है कि जब भी स्टॉक मार्केट में आए तो स्पेकुलेशन से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि स्पेकुलेशन एक ऐसी चीज है कि उसका कोई अंत नहीं है, और आमतौर जितना भी लोग वहां गंवाते हैं उसका दुगना खेलते हैं, और जब भी वो ज्यादा खेलते हैं वो अपने आप को, अपने अपनी इनकम को, अपने इन्वेस्टमेंट को, और साथ में अपनी सेहत को, और अपने पूरे कुटुंब को, अपने पूरे फैमिली को एक रिस्क में डाल देते हैं। तो जब भी आप काम करें बहुत ही सोच समझ कर काम करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करें, सही बंदे से, सही रजिस्टर्ड ब्रोकर से काम कीजिए।